द नेक्स्ट टॉपिक क्लास 8 चैप्टर 1 नेटवर्क सम पार्ट ऑफ टोपोलॉजीज द फोर्थ टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर आर प्लेस्ड इन ए सर्किट और केबल विदाउट एनी terminating in since there is no disconnected end. All the data travel through the ring clockwise or anti-clockwise and they reach their destination. ध्यान देंगे, ये जो है स्टार्ट टोपोलॉजी है, इसमें कंप्यूटर्स जो है सर्किल में है. देखेंगे यहाँ पे सर्किल में कंप्यूटर अटैच है, 1 2 3 चारों कंप्यूटर सर्किल में अटैच हैं और इनके बीच डाटा का ट्रांसफ़र आपको फास्ट होता है. क्योंकि ये सर्किल में होते हैं, डाटा का ट्रांसफ़र फास्ट होता है, फ्लो ऑफ डाटा फास्ट होता है. ये आप जो सर्किल में जो तैयार करते हैं वो क्लॉकवाइज सर्किल भी हो सकती, ये इधर ऐसे क्लॉकवाइज सर्किल भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज सर्किल में भी हम इस रिंग को तैयार कर सकते हैं. ये जो रेड से इंडिकेट किए गए हैं सभी वायर्स हैं, ये आपके कंप्यूटर हो गए और ये फ्लो ऑफ डाटा अभी बता रहा है कि क्लॉकवाइज है, यानी कि डाटा का ट्रांसफ़र इस टाइप में हो रहा है. इसके बाद हम आते हैं ट्री टोपोलॉजी. ए ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि तीनों टोपोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉलो करता है वो है ट्री टोपोलॉजी. ए ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस, तीनों का जोड़ा हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड टू ए बस और केबल. एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है, देखेंगे एक हब है, उसका सेकेंड हब है, उधर थर्ड हब है. तो ये मेन हब हुआ, इससे दो हब कनेक्टेड है और आप देख ये टर्मिनल दूसरे से 1 2 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और तीसरे से भी 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं. किसी भी कंडीशन में अगर इधर का यहाँ से लाइन इधर का डिसकनेक्टेड हो जाता है तो इधर के कंप्यूटर से आप काम कर सकते हैं, और इधर का डिसकनेक्टेड हो जाता है तो अगर लेफ्ट साइड का डिसकनेक्टेड होता है तो राइट साइड के कंप्यूटर से आप वर्क कर सकते हैं, राइट साइड का कंप्यूटर डिसकनेक्टेड हो जाता है तो लेफ्ट साइड के कंप्यूटर से काम कर सकते हैं. अगर दोनों हब में कोई एक कंप्यूटर खराब होता है तो बाकी 5 हब्स के थ्रू दोनों हब में जो ट्री हब है उसमें से एक सिस्टम खराब हो जाता है तो बाकी 5 सिस्टम से आप वर्क कर सकते हैं. इसके बाद हम आते हैं मेश टोपोलॉजी में. मेश टोपोलॉजी में आते हैं. इन मेश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर नोड मैसेजेज सेंट ऑन ए मेश टोपोलॉजी कैन टेक एनी ऑफ द पॉजिटिव पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिविटी लुक्स क्वाइट जम्बल्ड अप. इसका कनेक्टिविटी जो है जम्बल्ड दिखाई देता है बट इसका वर्क और फ्लो ऑफ डाटा जो है फास्ट होता है और जितने भी नोड्स होते हैं सभी एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे से मैसेज रिसीव कर सकते हैं. लेकिन क्या है ना, इसका कनेक्टिविटी जो है थोड़ा जम्बल्ड है, समझने में थोड़ा सा जम्बल्ड. आप जो है सो हेक्सागन अगर लेंगे और उसके सभी डायगोनल्स को मिलाएंगे तो उस टाइप से इसकी कनेक्टिविटी होती है. जो भी सिस्टम है देखेंगे आप, जैसे ये एक सिस्टम है तो इस सिस्टम का कनेक्टिविटी इससे भी है. ये लाइन इस चीज को बता रहा है, फिर ये लाइन इसको बता रहा है, फिर इसी से ये कनेक्टेड है, इसी से ये कनेक्टेड है. फिर अलग सेकेंड नंबर लेंगे आप तो इससे ये, फिर ये, फिर इधर ये वाला सिस्टम कनेक्टेड है, फिर यहाँ से लेंगे तो ये वाला सिस्टम कनेक्टेड है, ये सिस्टम कनेक्टेड है. यानी कि अगर आप मेश टोपोलॉजी में वर्क कर रहे हैं
तो आपका कोई भी एक सिस्टम अगर डैमेज हो जाता है, कोई भी एक कंप्यूटर अगर जस्ट लाइक कि आपका ये कंप्यूटर खराब हो गया, तो अदर जो 6 कंप्यूटर्स हैं उसमें से कोई भी 5 कंप्यूटर आपके काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है जैसे ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, आपका जो है एक कंप्यूटर ये वाला 2 कंप्यूटर खत्म हो गया तो बाकी 3 की अलग अलग कनेक्टिविटी। आप ध्यान देंगे कनेक्टिविटी पे, तो इससे ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्शन हो रहा है, ये भी कनेक्शन हो रहा है, ये इसका जो है वायर का कनेक्टिविटी का ये प्रोसेस है। इसे इस टाइप के कनेक्टिविटी को हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहते हैं, यानी कि एक पॉइंट का जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट के साथ कनेक्टिविटी होगा, इसी को हम मेश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। डाटा ट्रांसफर इसलिए फास्ट होता है कि जो नोड चाहे, जो कंप्यूटर चाहे, दूसरे कंप्यूटर को जब चाहे, जिस प्रकार चाहे डाटा भेज सकता है। और होमवर्क में आपको नोट करना है डिफाइन एंड लर्न द टर्म्स, डिफाइन भी करना है और याद भी करना है, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी।